गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फोर्थ चैप्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्रीफ समरी ऑफ दिस चैप्टर। आइंस्टाइन वाज स्टडिंग एट अ जर्मन स्कूल इन मनिच। द नरेटिव बिगिंस विद अल्बर्ट बीइंग आस्क्ड अबाउट ए डेट बाय मिस्टर ब्रोनो हिज हिस्ट्री टीचर। इस चैप्टर के अंदर जो अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं, जो कि एक फेमस साइंटिस्ट थे, उनके स्कूल के अंदर उनकी क्या थिंकिंग थी, क्या उनका बिहेवियर था, वो इसमें डिस्कस किया हुआ है। आइंस्टाइन जो थे वो जर्मन के मनिच में एक जर्मन स्कूल में पढ़ते थे। यहाँ पर जो नैरेटिव है वो अल्बर्ट के बारे में ये बताते हैं कि मिस्टर ब्रूनो जो कि उसके हिस्ट्री टीचर थे, उनके बारे में जो बात होती है उसके बारे में। ही रिप्लाइड दैट ही फाउंड नो पॉइंट्स इन मेमोराइजिंग डेट्स व्हेन वन कैन फ्लिप थ्रू द पेजेस ऑफ द बुक्स। क्योंकि जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर जो डेट्स हैं उनको हमें लर्न करना होता है, मेमोराइज़ करना होता है, क्योंकि उसमें कुछ बैटल्स होती हैं। लेकिन जो अल्बर्ट थे उन्होंने ये कहा कि उन्हें हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि जो पेजेस के अंदर छपे हुए हैं और एक बार जो टाइम निकल चुका है उनको याद करने का क्या फ़ायदा, क्योंकि उसमें फैक्ट्स नहीं होते। ही बिलीव्ड इन एजुकेशन बट डिड नॉट कंसिडर द टीचिंग ऑफ फैक्ट्स एज एजुकेशन। जो आइंस्टाइन है उनका ये कहना था कि वो उसे शिक्षा के अंदर विश्वास है, लेकिन जो एजुकेशन देने का जो टीचिंग का तरीका है वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। द टीचर वर सो फेड अप विद हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स एजुकेशन। इसके कारण टीचर जो थे वो बहुत परेशान थे, क्योंकि जो आइंस्टाइन था वो टीचर्स को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता था, क्योंकि उसे इनके तरीके पसंद नहीं थे। दैट दे वॉन्ट टू द एक्सटेंड ऑफ कॉलिंग हिम ए डिसग्रेस। आइंस्टाइन वॉज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पर जो आइंस्टाइन है उसे जो शिक्षा की बहुत ट्रेडिशनल तरीके थे उसके बहुत ज़्यादा खिलाफ था, एंड हेटेड गोइंग टू द स्कूल, और वो ये चाहता था कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाए, इसीलिए वो नफरत करता था। ही वंस मैंशन टू हिज कज़न एल्सा। उसने अपनी इस बात को एक बार अपने जो कज़न एल्सा है उसके साथ डिस्कस किया, दैट ही स्टडीड साइंस जस्ट बिकॉज ही इन्जॉयड द सब्जेक्ट एंड नॉट बिकॉज ही वॉन्टेड टू पास द एग्ज़ाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा। यहाँ पर जो एल्सा है वो कौन है, उसकी कज़न है जिसने कि कुछ टाइम पहले ही साइंस के अंदर अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया था और अपनी एजुकेशन के अंदर इंजॉय करके उसको कंप्लीट किया था, ना कि एक डिप्लोमा लेने के लिए। ही हैड रियलाइज दैट द एजुकेशन गिवन इन स्कूल वाज अनफ्रूटफुल एंड ही स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ वेज टू लीव स्कूल फॉर एवर। अब यहाँ पर जो आइंस्टाइन है उनका ये सोचना है कि स्कूल के अंदर जो स्टडी दी जाती है वो अनफ्रूटफुल है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए वो ये सोच रहा था कि जल्दी से वो स्कूल को छोड़ दे। वन डे ही केम अप विद एन एक्सलेंट आइडिया टू अवॉइड स्कूल फॉर एवर। ही आस्क हिज फ्रेंड यूरी टू सर्च फॉर ए फ्रेंडली डॉक्टर हु वुड सर्टिफाई हिम एज ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम नर्वस। एक दिन क्या हुआ कि उसके माइंड में अंदर एक आइडिया आया कि उसने अपने एक फ्रेंड यूरी को ये कहा कि वो एक ऐसे फ्रेंडली डॉक्टर की तलाश करे जो कि उसको ये सर्टिफाई कर दे कि ये जो आइंस्टाइन है वो नर्वस सिस्टम से थोड़ा ब्रेक है। नाउ ब्रेक डाउन सो दैट ही कुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, ताकि उसको स्कूल से निकाल दिया जाए। यूरी सेंड अल्बर्ट टू वन ऑफ हिज डॉक्टर फ्रेंड्स एंड देयर। और यहाँ पर जो यूरी है वो उसे अल्बर्ट को अपने एक दोस्त के पास लेके जाता है। आइंस्टाइन ओपन्स अप अबाउट हिज लव फॉर मैथमेटिक्स। यहाँ पर जो आइंस्टाइन है वो यूरी को ये बताता है कि उसे मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो कितना ज़्यादा पसंद है। बिफोर शोइंग द डॉक्टर सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर, इससे पहले कि जो यूरी है वो अपनी उन्होंने जो सर्टिफिकेट बनाया था वो हेड टीचर को दिखाया, अल्बर्ट मेट हिज मैथ्स टीचर एंड आस्क फॉर ए रेफरेंस लेटर फ्रॉम हिम। इससे पहले जो अल्बर्ट थे वो अपने मैथ्स टीचर से मिले और उनसे ये कहा कि वो उसके लिए एक रेफरेंस लेटर बना दे। सून आफ्टर अल्बर्ट वॉज कॉल्ड बाई हिज हेड टीचर हु टोल्ड हिम दैट ही हैड बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल बिकॉज हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स एजुकेशन इमनेंसली डिस्टर्ब द टीचर्स एंड अदर स्टूडेंट्स। जल्दी ही इसके बाद जो अल्बर्ट थे उनको हेड टीचर के द्वारा बुलाया गया और यहाँ पर उनको ये बताया कि उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया है, क्योंकि उसका जो एटीट्यूड था एजुकेशन के प्रति उससे जो टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो दोनों ही परेशान होते हैं। अल्बर्ट कुड फील द डॉक्टर्स लेटर बर्निंग ए होल इन हिज पॉकेट। इतनी देर में जो अल्बर्ट था उसको ये फील हुआ कि उसकी पॉकेट के अंदर जो लेटर दिया गया था यूरी का, जो उनके डॉक्टर ने बना के दिया था, उसको ये फील हो रहा था कि उसके कारण उसके पॉकेट में कुछ जल रहा है, उसने कुछ हॉल कर दिया। ही लेफ्ट द स्कूल फॉर एवर एंड नेवर रिटर्न।
और उसी टाइम से अल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल को छोड़ दिया और वापस लौट के कभी नहीं आया।